अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुल्ताना ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर मुश्किल हर मुसीबत से दूर रखे, इसी दुआ के साथ। जी हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मैं पहले भी करती रहती हूँ, कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ खड़े घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और वो मेरी वीडियो टाइम से देख सकें और उस पर कमेंट भी कर दें। जी माय यूट्यूब फैमिली, तो जैसा कि आपको पता है कि गर्मी बड़े जोरों शोर से पड़ रही थी, तो यकदम जो है ना रात नहीं बल्कि सुबह अजानों का टाइम जो है अल्लाह ताला का फजल हुआ और करम हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो है ना पहले तो बड़ी अच्छी हवा चली और साथ ही हल्की हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से जो है ना घर में गंद नहीं हुआ। नहीं तो जैसे ही तूफान आता है तो घर में इतना गंद आ जाता है, आंधी आती है ना, इस दफा आंधियाँ बहुत ज्यादा आई हैं और घर में फिर इतना गंद हो जाता है कि सारा दिन सफाइयाँ करते गुजर जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की बारिश दी और साथ रहमत की ही हवा भी दी, और जिसकी वजह से मौसम जो है आज जो है काफी ठंडा हो गया पहले से, और उसकी वजह से गर्मी की का जो जोर है वो टूट गया है और आगे हब्स जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। हब्स का मौसम है, जैसे बारिश होगी तो धूप निकलेगी तो फिर जो है ना हब्स स्टार्ट हो जाएगी, तो वो जो इस गर्मी से ज्यादा वो चिपचिप वाली गर्मी होती है ना वो बड़ी गंदी होती है। जी माय यूट्यूब फैमिली, तो मैंने ना रात के 12 बज रहे हैं, तकरीबन 11:30-12 का टाइम है, और मैं घर में आज अकेली हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। रात को भी मैं अकेली थी घर में, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सारी रात में चलती रही, मुझे समझ ना आया मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ उठ के आज गपशप लगाती हूँ, मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा और मैं जो हूँ गपशप अच्छा। मैं सबसे पहले तो मैंने अपनी ईशा की नमाज जो है ना वो पढ़ी है, पढ़ के तो मैं जो तस्बीहें करती हूँ वो मैंने दुरूद शरीफ की रात को सोने टाइम एक तस्बीह करके सोती हूँ। मैंने रूटीन अपनी बनाई है कि दुरूद इब्राहिम की जो है ना वो तस्बीह वो मैं जरूर करती हूँ रात को सोने टाइम, वो की करती हूँ, और एक दो तीन तस्बीहें और हैं, और पढ़ के जो मेरे प्यारे फौत हो गए हैं, मैं रोज जब से मेरे अब्बू की डेथ हुई, पहले तो मैं कोई ध्यान देती थी, लेकिन जब से मेरे अब्बू की डेथ हुई है तब से मैंने रूटीन बना ली उस दिन से कि मैं जो अपने अब्बू को ना पढ़ के जरूर बख्शती होती हूँ। जो भी आपके भी वालदैन जिनके हयात अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी दे, और जिनके माँ या बाप कोई भी फौत हो गया, तो आप भी प्लीज अपनी रूटीन बना लें और अपने माँ बाप को ज्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ के बख्शा करें। मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं ना मुझे बताया था हमारे मौलवी साहब, उन्होंने बताया था, तो मैं वो पढ़ती हूँ 12 दफा मैं पढ़ती हूँ जनाब कुल शरीफ, उसका जो सवाब है ना 4 कुरान शरीफ का सवाब जो है ना वो आपके प्यारों को मिलता है। 12 दफा मैं पढ़ती हूँ कुल शरीफ और फिर 4 कुल जो है ना वो 3-3 दफा, उसके बाद जनाब मैं पढ़ती हूँ अलहमद शरीफ सूरत फातिहा वो मैं 3 दफ़ा पढ़ती हूँ, और आयतल कुर्सी जो है ना वो मैं 3 दफ़ा पढ़ती हूँ। ये पढ़ के तो मैं जो अपने प्यारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदिया करती हूँ, उसके बाद सब जो फौत हो गए हैं हमारे अम्बिया इकराम और औलिया इकराम सबको, सब मुसलमान बहन भाइयों को और अपने जो प्यारे उनको बख्शती हूँ, बख्श के तो मैं सोचती हूँ तो आप भी ऐसे किया करें, अपने प्यारों को जो है ना ये पढ़ के जरूर बख्शा करें। जो वालदैन अगर दुनिया से चले जाते हैं ना तो नेक औलाद जो होती है वो उनके लिए सदका जारिया होती है, और माँ बाप को जो है ना वो उनके जो पढ़ के बख्शते हैं वो माँ बाप को उनका इंतजार रहता है। तो मुझे जिस दिन कभी ऐसा जिंदगी में जब से आज 4 साल हो गए मेरे बुक को फौत हुए, कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं जो हूँ ना एक दिन भी मैंने मिस किया, और मैं खाना तो भूल सकती हूँ लेकिन ये पढ़ना नहीं मैं भूल सकती, मैं पढ़ के अपने बाप को जरूर बख्शती होती हूँ। तो आप भी सब जो है जिन जो प्यारे आपके फौत हो गए उन सबको पढ़ के आप बख्शा करें। दुनिया जिंदगी का कोई पता नहीं हमारा, हमने कब चले जाना, आज हम पढ़ के बख्शेंगे तो कल को हमें भी बख्शने वाला कोई होगा। नमाज कुरान पढ़ी, पढ़ के तो मैं बैठी हुई थी समझ नहीं आ रही थी, आज तकरीबन मुझे 7-8 दिन ही हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, मैंने मेरा वॉच टाइम जो है ना फिर से कम होना शुरू हो गया। अब जो यूट्यूब है ना अगर आप वीडियो ना डालो तो वॉच टाइम आपका वो खत्म कर देते होते हैं, तो वो मेरा वॉच मैंने आज देखा YT स्टूडियो पे मेरा वॉच टाइम जो है वो खत्म हो रहा था, मैंने कहा चलो सुल्ताना उठो कोई ना कोई जो है ना वीडियो बनाओ अपने, एक आपको पता है घर में बंदा अकेला हो ना कोई बंदे को खाने को दिल करता ना पकाने को दिल करता, कोई ऐसी चीज भी नहीं थी कि मैं कोई रेसिपी बनाऊं जो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने कहा चलो मैं गपशप ही लगाती हूँ। तो अच्छा वो मैंने अपनी नमाज वगैरह से फ्री होकर फिर मैं ना आज कल सिर्फ एक ड्रामा है वो देखती होती हूँ जान निसार, कौन देख रहा है ड्रामा जान निसार मुझे बताया, जो मुझे बहुत ही पसंद है, हिबा बुखारी भी मुझे बड़ी पसंद है और वो तैमूर जो है ना वो मुझे बड़ा पसंद है।
जानसार ने, और इनकी जोड़ी मुझे बड़ी पसंद है। पहले इनका एक ड्रामा होता था दीवान की, वो भी मैं देखती होती थी, तो अब मैं जानसार जो है ना वो देख रही हूँ। तो उसमें आज वो है ना वो फरा की एंट्री होगी जो उसकी पहली लवर थी, तो उसको देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। और मुझे हिबा पे मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसके साथ अब जो है नौशेरवान वो क्या करेगा, अब जो उसकी पहली बीवी है वो तीली लगा रही थी कि तो अब पता नहीं क्या बनेगा। खैर वो ड्रामा है, हमें इतना सैड नहीं होना चाहिए। और जनाब मैं ना आज जैसे कि मैं आपसे पहले आपसे बात कर रही थी और मैं आपको बता रही थी कि ये अब बारिशें आगे स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि अगस्त का महीना अब आने वाला है, जुलाई है ये, जुलाई और अगस्त में ये जो बारिशें होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ये हब्स वाली गर्मी होती है बंदे के। तो इन दिनों में ना हमारे जो हमारे हर सारी खवातीन उनका एक मसला है कि जो हमारे किचन में हमने काम करना होता है, तो वो हमारा जो किचन में सबसे अहम जो चीज है ना, हमने खाना बनाना होता है, रोटी सबसे अहम मसला है, और जो हमारा आटा होता है ना उसमें सुसरी पड़ जाती है, जिससे हम बड़ी परेशान होती हैं कि ये सुसरी जो है ना अब कैसे खत्म। जब सुसरी पड़ती है तो एक सुसरी जो मैंने ना एक वीडियो देखी थी, एक सुसरी एक टाइम में 1,000 अंडा देती है, और वो लार्वा कह रहे थे पैदा होता है, और उस अंडे से आगे जो है ना वो ऐसा लेसदार होता है, उससे आगे वो कीड़े बनते हैं और कीड़े जो है ना वो सारे आटे में फैल जाते हैं। एक अगर आपके एक सुसरी जो है 1,000 अंडा देगी, तो हमारे तो आटे में कितने ही सुसरी होती है और कितने ही वो जो है ना कितने जो वो ज्यादा वो अंडे देती है, और जो आटे में तो वो कुरबल कुरबल कीड़े जो है ना वो पड़ जाते हैं। और फिर पता है कि ये हम बरसात के मौसम में आटा पिसाएं 10 दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, और उसमें वो जो है ना वो कीड़ी बनना शुरू हो जाती है। जब ये कीड़ी बनती है तो फिर वो अंडे देती है, और आगे से फिर वो उसमें वो बारीक बारीक जो है ना आटे के ही कलर के वो कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ना मेरे पास कुछ टोटके हैं। पहला तो हम ये कि हमें अपनी जो गंदम है ना उसको जब हम लेके आते हैं तो हमें जब हम उसको डालते हैं, हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम हमारी तो आदत है, शहर वाले लोग बेचारे तो खाते हैं वो दुकान का आटा, लेकिन हम जो है अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से हम अपनी गंदम जो है वो हमारी जमीनों से आती है, और हम स्टॉक कर लेते हैं 1 साल के लिए, और उसको वो हमारे घरों में जो देहाती मेरे बहन भाई उनको तो पता होगा, जो शहरी नहीं हमारे वो बड़े बड़े उसको हम भड़ोले बुलाते हैं, और तो उसमें स्टॉक करते हैं हम। उसमें हम जब गंदम डालते हैं तो उसमें हमारे जो कुम्हार होती है ना, जो गंदम आग डालते हैं कुम्हार, तो वो उसमें ना वो उनको कहते हैं वो एक गोलियां होती हैं गंदम की, वो रख देते हैं, तो वो 2-3 महीने पहले उनके लिए गंदम जो है वो अलग कर लेते हैं, पहले पुरानी गंदम पड़ी होती है तो वो 2-3 महीने गंदम नहीं खाते, तो वो गोलियां जब डालते हैं तो उससे जो है ना सुसरी खत्म हो जाती है गंदम की। तो और जो है ना जब हम पिसवाएं ना गंदम, तो हम कोशिश किया करें कि जो हमारी गंदम है ना वो ऐसे धूप लगवा के खुश करके तो वो हम चक्की पे लेके जाए, अगर उसमें नमी होगी तो उसमें फिर जब हम आटा पिसवाएंगे तो वो उसमें सुसरी जल्दी पैदा हो जाएगी। पहले तो ये कि हमें गंदम को अच्छी तरह साफ करके, तो उसके बाद उसको अच्छी तरह धूप लगवा के खुश करके फिर उसका आटा जो हमने पिसवाएं। और जो हमारे जो बहन भाई हैं जो दुकान से आटा लेते हैं, वो चेक किया करें कि उसकी एक्सपायरी डेट तो पता चेक करता है, लेकिन आप ये भी देखें कि ये आटा उन्होंने किस दिन वो उन्होंने बनाया आटा, एक्सपायरी डेट से पहले उसके बनने की डेट भी देखा करें। ये ना 1 महीना पहले की आटा बना और वो फिर घर में लाए, उसमें तो पहले से ही कीड़े होते हैं। तो अगर हम जो चक्की वो थोड़ा आटा लेके आए, जो ज्यादा आटा ना लेके, और दूसरे लोग भी जो हम मेरी जैसी मेरी माएँ बहनें हैं जो हम गंदम से हम आटा पिसवाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम आटा जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे अब घर में 2 फर्द हैं तो हमें तकरीबन 10 किलो जो आटा है वो मुझे तो 15 दिन के लिए, 15-20 दिन मुझे ख़त्म ही नहीं होता। तो अगर वो आटा हमने पिसवा लिया है, पहले तो गंदम को अच्छी तरह खुशक करना है, खुशक करके तो फिर हमने जो अपना वो जो बर्तन है ना जिसमें हम आटा स्टॉक करते हैं, हमारे घर में तो मटियां हैं लेकिन वो एयर टाइट हो, उसमें हवा ना जाए, इसमें नहीं जाती हवा, और प्लास्टिक की ज्यादातर लोग जो है ना बाल्टियां इस्तेमाल करें। जब आपका पुराना आटा खत्म हो जाए तो वो जो जब आपने नया आटा डालना है तो वो पहले वाला जो आटा है ना उसको खत्म करके उसको अच्छी तरह आपने धोना है, आप उस बर्तन को धो के अच्छी तरह धूप लगवा के, साबुन से धो के धूप लगवा के खुशक करके फिर उसमें आपने आटा डालना है। फिर आपने आटा जब डालना है तो उसको उसको एक उसकी जो है ना उसको अच्छी तरह ढक्कन को बंद करना है कि उसको बाहर की हवा ना लगे, और आप कोशिश करें कि आप आटा जो है ना वो कम से कम ही पिसवाएं। तो उसके बाद उसके कुछ टोटके भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो
तो आप जो है ना जब आटा पिसवा लें तो एक मलमल का कपड़ा, जैसे ये क्रेप का कपड़ा ले लें या मलमल का कोई कपड़ा ले लें, उसमें आप लौंग रख सकती हैं। लौंग की खुशबू से ना ये जो सुंडियाँ हैं वो पैदा नहीं होती, वो उनको अच्छी नहीं लगती लौंग की खुशबू। और वो जब सुंडियाँ पैदा नहीं होंगे तो फिर कीड़े भी पैदा नहीं होंगे। अगर लौंग आपके घर में नहीं है, आपके घर में दालचीनी आपके गर्म मसाले में होगी, वो आप दालचीनी जो है ना वो उसमें मलमल के कपड़े में बांध के वो रख दें। अगर दालचीनी भी नहीं है फिर तेज पात जो है पत्ता वो पता कर लें, वो आप उसके तेज पात के जो पत्ते हैं वो आप उसमें रख दें। नहीं कड़ी कड़ी जो पत्ता है वो रख दें उसमें। और भी बहुत सारे जो है ना इसमें हैं जो आप, ये देखिए मकौड़ा आ गया, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी खुशबू की वजह से ना ये जो है ना ये सुसरी को अच्छी नहीं लगती, और वो फिर नहीं लगती सुसरी, और वो अगर हो भी तो मर जाती है। तो आप एहतियाती तदाबीर, हम जैसे हम आटा गूंथते टाइम हम मैं तो यूज करती हूँ नमक, पता नहीं कोई लोग नहीं भी, किसी का ब्लड प्रेशर जो है ना वो ठीक नहीं होता तो वो जो है ना गंदम वो आटे में नमक यूज नहीं करते, तो वो मैं वैसे थोड़ा नमक जो है ना आटे में मिला के रख दिया करे, उससे भी जो है ना ये सुसरी पैदा नहीं होती। जब सुसरी पैदा नहीं होगी तो फिर कीड़े भी पैदा नहीं होंगे। तो ये जो है ना उसमें लौंग रख लिया करें, तेज पात के पत्ते हो तो वो रख लिया करें, उसमें कड़ी पत्ता रख लिया करें। हाँ नीम के पत्ते जो है ना वो भी आप अगर उसको भी मलमल के कपड़े में बांध के रखें ना, वैसे नहीं रखना वो थोड़े, क्योंकि मलमल का कपड़ा ऐसा होता है कि उसमें से वो आटे में भी मिक्स नहीं होंगे और उसकी खुशबू भी आटे में पहुंच जाएगी। मलमल के तेज पात के पत्ते डाल दें, नीम के पत्ते रख लें, उसमें हम कड़ी पत्ता रख सकते हैं, उसमें हम जो है ना ये दालचीनी की जो है टुकड़े वो रख सकते हैं, उसमें नमक मिला कर रख सकते हैं। देखिए मैं आपको कितने टोटके बता रही हूँ। और उसमें हम जो है ना कड़ी पत्ता रख सकते हैं, और ये मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया। तो ये चीजें, हाँ ये एहतियाती तदाबीर है, ये रख के तो हम उसको जो उसका बर्तन है उसके ढक्कन को अच्छी तरह जो है ना वो बंद कर दें, और जब हम आटा गूंदे निकालें तो फौरी उसको अच्छी तरह बंद कर दें। इससे जो है ना सुसरी जो है ना वो जो है उसके पैदा होने का जो है ना कम चांस है। तो आप जो है ना, मैंने कहा कि चलो ये मेरे पास एक टोटके हैं, मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ी देर गपशप भी लगाती हूँ और फिर जो है ना उनको ये टोटके भी उनके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने ये आजमा के जरूर देखने हैं ये टोटके। पहले तो कोशिश ये करनी कि आपने आपने जो आटा ही थोड़ा पिसवाना है, और बाजार से भी आटा कम लेके आना। अगर आप बाजार से आटा लेके आए भी है तो उस आटे को, अगर आप बाजार से लेके आए तो आटे को ज्यादा उसमें नमी होती है, आप पहले उस आटे को अच्छी तरह खुशक कर लें फिर आप बर्तन में डालें। जब आटे में नमी नहीं होगी तो फिर आटे में सुसरी पैदा नहीं होगी। गंदम को अच्छी तरह आप वो धूप लगवा कर रखें। तो आटा अगर बाजार से लेके आए तो उसको आटे को अच्छी तरह, क्योंकि जो होते हैं ना ये मिलों वाले ये जान के भी गंदम को गीला करते हैं उसको, उसका वजन बढ़ाने के लिए, फिर आटे का भी वजन बढ़ जाता है तो वो जान के भी गंदम को गीला करके तो वो थोड़ा उसको पीसते हैं। तो आप जो बाजार से आटा लेके आओ उसको आप अच्छी तरह उसको धूप लगवा लो, हवा लगवा लो, फिर आप उसको बर्तन में डालो। और कुछ दिनों के बाद, कुछ 2-3 दिन तकरीबन, अगर आपके 4-5 दिन या 10 दिन हो गए तो अगर आपको खदशा हो रहा है फिर उसको धूप में फैला दो। ये भी बड़ा अच्छा आसान तरीका है कि आप धूप में फैला दो, उससे भी ये सुसरी मर जाती है। और फिर आपको अच्छी तरह आटे को छान के तो उसमें रख लो। तो वीडियो जो है ना वो काफी जो लंबी हो रही है, तो आप लोगों का मैंने टाइम लिया, मैंने चलो आप लोगों के साथ गपशप भी लगा दी और साथ के लोगों के साथ मुफीद टोटके वो भी शेयर कर लिए, और मैंने आपके साथ जो है ना वो दुआएं भी शेयर कर ली कि जो अपने आपके वालदैन जो है इस दुनिया से गए हैं या आपके जो प्यारे गए हैं उनको आप जो है ये दुआएं पढ़ के बख्शा करें। और साथ मैंने जहन ने सा ड्रामे का वो भी थोड़ा सा बीच में टच दे दिया। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरी बोरियत थोड़ी दूर होगी। अब दुआ करें कि मुझे नींद आ जाए। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। मेरी वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और सुल्ताना व्लॉग्स जो है ना उसको आपने सब्सक्राइब करना है, देखना है सुल्ताना व्लॉग्स जो, उसको आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं फिर किसी हम अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।